अरे नतांश, ये क्या देख रहा है तू? अरे अरे भाई, आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे को पुल एनसीबी पकड़ के ले गई ड्रग केस में। कैसे? उसके पास ड्रग्स मिले हैं। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल सर के पास चलते हैं, हाँ उनको चलो, सब उनको ही पता पता होगा। होगा। गुड मॉर्निंग सर। सर वो गुड मॉर्निंग, गुड सुन मॉर्निंग सर, वो शाहरुख खान के बेटे की क्या कॉन्ट्रोवर्सी है सर, पूरा समझा दो, बहुत सर, कुछ कंफ्यूजन समझ है। में ही नहीं आ रहा। अरे यार, सुबह से मेरे को 10 फोन आ चुके हैं और सारे मीडिया में पता नहीं क्या 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 बना देते हैं। अरे भाई, वैसे ये बात तो तुमने सुना है ना कि 2 अक्टूबर को लोग जब गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मना रहे थे, तब ये गड़बड़ घोटाला मुंबई से गोवा के क्रूज में हुआ। चलो मैं तुम्हें सारा बताता हूँ, ठीक है? आर्यन खान की कंट्रोवर्सी, आर्यन खान ड्रग कंट्रोवर्सी। दादा, स्कैंडल में नहीं, लीगल पहलू पे जोड़ देते हैं। देखो, फर्स्ट इमेज में आप क्या देख रहे हो, ये अगर आप ध्यान से देखो, एक कोडिलिया क्रूज है भाई, अमीरों के बच्चे हैं, कोडिलिया क्रूज में जा रहे थे। वैसे मैं बता दूं, वैसे तो 8-10 बंदे थे, 3 मेन बंदे हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, पर सबसे स्कैंडल तो हुआ शाहरुख खान का बेटा फंसा है। अब ये तीन देखो भाई, ये सुंदर सी लड़की जो है, ये मुनमुन, अभी मुनमुन सेन नहीं है, और ये जो लड़का है ये है अरबाज। अब ये अरबाज खान नहीं है, ये आज की जनरेशन के हैं, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, ये भी आते रहते हैं छोटी मोटी फिल्मों नाटकों में। तो ये तीनों अरेस्ट किए गए, लेकिन पता है आपको, इसी दिन न्यूज मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, छोटी सी एक न्यूज आती है कि भाई आपकी स्क्रीन पे जो सुंदर सा लड़का है, इसको संस्कार दिए माधवन ने, और इस संस्कार से इस बेटे ने सिल्वर मेडल जीता। अभी किसी ओलंपिक्स में नहीं, बेसिकली आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि क्या संस्कार माधवन ने अपने बेटे को दिया। वेदांत है इनके बेटे का नाम, सिल्वर मेडल इन्होंने स्विमिंग चैंपियनशिप एशिया के लेवल का, ठीक है? अरे भाई, बैटरी लो नहीं होनी चाहिए तुम दोनों बच्चों की, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग भाई? ये जो खान के लॉयर है ना, ये है सतीश मानसिंडे, ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। शाहरुख खान ने इनको बोला कि मेरे बेटे का केस डिफेंड करो। इन्होंने जज साहब के आगे क्या बोला, सर सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट तो लगेगा ही नहीं, भाई छोटा सा बच्चा है, चलो थोड़ा बहुत नशा कर भी लिया होगा, तो वो तो फरदीन खान से लेकर आपने देखा रिया चक्रवर्ती के भी केस में कि आप बेल डिनाई नहीं कर सकते, तो जनाब कोई व्यापार थोड़ी करता है वो। मगर अब देखें सरकारी वकील ने क्या बोला। अब आप में देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो शाहरुख खान के बेटे और वो जो मुनमुन धमाची, ठीक है, ये जो लड़की थी मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, सबको लेके जा रहे हैं। अब ये जो पुलिस वाले हैं, ये एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वाले हैं, ठीक है, ये नॉर्मल पुलिस नहीं होती। अब ये कहां लेके जा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो, ऑफिस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुंबई, यहीं पर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी बैठते हैं। अरे भाई बच्चों, नॉर्मली इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, पर मुंबई एक मेट्रो है और इसीलिए उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो ये जज साहब आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, और इनका नाम ये आप लोगों के करंट अफेयर में आ सकता है, और आपने टिक लगाना है आर के राजे भूसाले, क्योंकि आपने पहले वाले देखो वकील साहब का नाम भी नहीं भूलना, ठीक है? तो वकील साहब का नाम तो आपको पता है, जिनको उन्होंने किया शाहरुख खान ने। अब ये देखते हैं कि उन्होंने तो बोला, सर हमारे बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने तो थोड़ा बड़ा नशा कर लिया होगा, आप बेल नहीं डिक्लाइन करो इस ग्राउंड पे। लेकिन अब आपके स्क्रीन पे ड्रग्स दिख रहा है कि कौन कौन सा, और सरकारी वकील ने जज साहब को क्या बताया कि सर ये छोटा मोटा अपराध नहीं है, कोकेन 13 ग्राम और 5 ग्राम तो एमडी जिसको मेफिड्रोन कहते हैं, और चरस मूवी भी बनी है कई बार बच्चों, 21 ग्राम चरस, और चरस के लिए तो सेक्शन 20 स्पेशल लगता है, मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, और 22 पिल्स, ये बच्चों में बहुत फेमस है जो बिगड़े बच्चे होते हैं अमीरों के, एक्सटेसी देखने में आपको लगेगा कोई कैंडी, मगर दूसरी दुनिया में हेलुसिनेशन, कुछ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अब आपके इमेज जो सबसे पहले दिखेगा वो किसका है, कोकेन। कोकेन का, ये पाउडर की तरह होता है, नीचे आग लगा के इसको इस तरह स्मेल करते हैं और आपको बहुत तेजी से नशा होता है। अब आप देखो पैकेट में आपको मिल रहा है ये मेफिड्रोन, क्या मिल रहा है, मेफिड्रोन, ये सारे जो है ओपियम के डेरिवेटिव्स हैं। अब ये जो पत्ते हैं ना, हिमाचल में और कई जगह ये नेचुरल उगते हैं, ठीक है,
इसी से चरस, गांजा, भांग, भांग तो आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा, ये भांग भी जो है ये इसी पौधे से बनता है, लेकिन अगर इसके फूलों को चूर लो तो गांजा, और अगर पत्ते को मार मार के एक पत्थर पे मारते हैं या हाथ पे मारते हैं तो काला काला सा एक इसका पानी सा जम जाता है, फिर उसको ऐसे इकट्ठा करते हैं तो जैसे च्यवनप्राश, वो च्यवनप्राश नहीं होता, उसी को चरस कहते हैं। और सेक्शन 8 के सी में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 20 जो जो शाहरुख खान के बेटे के आगे लगा है, पर पहले ये प्यारी प्यारी सी गोलियां देख लो भाई, टीनेजर को बिगाड़ने के लिए ये कैंडी के रूप में, लेकिन 1 किलो ओपियम 1 करोड़ रुपए में बिकता है, आप यहीं से अंदाजा लगा लो ये कितना बड़ा कंट्रोवर्सी है। और मैं बहुत खुश हूं यार आप 2 टीनेजर मेरे पास आए हो आज ये जानने के लिए कि ऋषभ पंत का बर्थडे में क्या हुआ, हमें वो नहीं जानना, कल आईपीएल के मैच में किसने जीता कौन हारा हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो ये जानना है कि तालिबान अफगानिस्तान आज पैसे से भुखमरी है तो उसने ड्रग्स का व्यापार और तेज कर दिया है, जहां कोरोना में लोग भूख से मर रहे हैं पैसे नहीं है, वहां पर अमीरों के पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि वो ड्रग्स खरीदते हैं, लेकिन ना आर्यन खान को ना फरदीन खान को ना इस देश के यूथ को पता लग रहा है वो टेररिज्म को फंड कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक ही चीज से पैसा कमा रहा है और वो क्या है, ड्रग्स। अब आप नेक्स्ट इमेज में देखें, ये जो मैंने सेक्शन बोला ये कैपिटल सी नहीं है, ये फॉन्ट के कारण आपको कैपिटल सी दिख रहा है, तो बच्चों ये जो सेक्शन है 8 का सी ये बोलता है ना आप कोई भी ड्रग का सामान उगा सकते हैं क्योंकि ये पौधे होते हैं, ना आप खरीद सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, करोगे तो केवल चरस चरस में सेक्शन 20 में आपको सजा मिलेगी। तो ये है, एफआईआर हो चुका है दर्ज और 8-10 बंदे पकड़े, लेकिन 3 को अरेस्ट किया गया, वो सुंदर सी लड़की का नाम क्या था, मुनमुन, और वो लड़का अरबाज, और जो लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में आया वो आर्यन, और लोग बेचारे वेदांत के अचीवमेंट को भूल गए। खैर भाई, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तो कहा ही था कुत्ते ने आदमी को काटा ये न्यूज नहीं बनता, आदमी ने कुत्ते को काटा ये न्यूज बनता है। खैर हमें क्या, नेक्स्ट इमेज। अब यहां पर बच्चों आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख रहे हो, 27 और 64 कैपिटल ए। मैं आपको बोलूं कान थोड़े ज्यादा खोल लो, आपको मैं बताने लगा हूं कि अगर एक नया बच्चा आपकी स्क्रीन पे सेक्शन 27 की पनिशमेंट देखे तो वो डर जाएगा, हाँ ये हीरोइन वो हीरोइन नहीं है जो फिल्मों में होती है रिया चक्रवर्ती, ये हीरोइन एक ड्रग का नाम है, ये कोकेन हेरोइन सब ओपियम से निकलता है, और आप देख सकते हैं हेरोइन मॉर्फिन कोकेन इसमें 1 साल तक का रिग्रस यानी कि चक्की पिसिंग पिसिंग एंड पिसिंग यानी कि कड़े कड़ी कारावास रिग्रस इंप्रिजनमेंट, और कम से कम 6 महीने का भी है, 10,000 का दंड है, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी अगर आप 100 ग्राम से नीचे चरस खाते हुए पकड़े जाते हो तो फिर खाते हुए बोल रहा हूं मैं, बेचते हुए नहीं, खाते हुए कंजम्पशन, तब 27 लगता है, और स्मॉल क्वांटिटी में एक बहुत सुंदर कानून है 64A, मेरे साथ रिपीट करो कौन सा, 64A। मैं चाहता हूं आप यूथ, आपके दोस्तों में अगर कोई हो गया है जिसको बेचारे को पीयर प्रेशर में या गंदी संगत में आदत पड़ गई है, फरदीन खान की तरह, ममता कुलकर्णी की तरह, संजू बाबा की तरह, या फिर अब आर्यन खान की तरह, तो उसको बोलना इस दलदल में फंसने की जरूरत नहीं है, भारत का कानून सेक्शन 27 को 64 कैपिटल ए के साथ पढ़ने पर ये बताता है कि आप वो जो भोसले हैं ना जज साहब एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो ट्रायल नहीं करते, लेकिन 100 ग्राम से नीचे वो ही ट्रायल करेंगे, तो ये तो 100 ग्राम से नीचे दिख रहा है कोकेन 13 ग्राम, पर हम कोकेन की बात नहीं कर रहे, हम चरस की बात कर रहे हैं 100 ग्राम से नीचे, वो स्मॉल क्वांटिटी है। तो अब आप अगर इसको 64A के साथ पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, इसकी एप्लीकेशन आप सरकार को दे सकते हो, गवर्नमेंट और कोर्ट के पास ये पावर होती है आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दे। कैसे, ध्यान से सुनना, आप जज साहब को क्या बोलोगे, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास आर्यन खान जी क्या बोलेंगे, सर गलती हो गई, मैं गुनेगार हूं सर, मेरे को आदतें बन गई थी सर, पर मैं बेचता नहीं सर, मैं धंधा नहीं करता सर, मैं पीयर प्रेशर में आ गया था, कुछ डिप्रेशन चल रहा था, गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, ऐसी बात बोलते ही जज साहब आपको पता कहां भेजेंगे, चाहे रिया चक्रवर्ती हो चाहे आर्यन खान, आपने सुना है ड्रग डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर, यस ये एनजीओ होते हैं जहां आपको नशे से मुक्ति दिलाई जाती है, नशा मुक्ति केंद्र, वहां पर वो बच्चे को भेज दिया जाएगा, ट्रायल सस्पेंड हो जाएगा, फिर वो डॉक्टर साहब से जैसा रिपोर्ट मंगवाएंगे, हाँ भाई वो जो बच्चा भेजा था आर्यन खान उसने कॉपरेट किया, हाँ सर लड़का सर बहुत इंप्रूवमेंट दिखा रहा सर, अब वो बिल्कुल नशा नहीं करता, जिस दिन वो फाइनल रिपोर्ट आ गई आपका सारा केस
जीरो आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी, जैसे कभी केस ही नहीं दर्ज हुआ था। हाँ ठीक सुना आपने, स्मॉल क्वांटिटी का नशा करने पर सुधरने का मौका मिलता है। हर रत्नाकर को सुधारने पर वो बाल्मीकि बन सकता है, अंगुलीमाल का डाकू गौतम बुद्ध के मिलने पर सुधर सकता है, तो यहां पर इस फायदे को उठाया जा सकता है। लेकिन अब आपके स्क्रीन में क्या है, तो भाई ये बच्ची ने मेरे से पूछा कि ऐसे तो कोई मेरी ज्योमेट्री में टिफिन बॉक्स में छिपा के, वो चॉकलेट छोटा सा तो होता है, देखने में तो कैंडी लगता है, मुझे कोई बेवकूफ बना के ही दे दे स्कूल में, तो पुलिस उसी समय मुझे पकड़ ले, एनसीबी वाले उसी समय पकड़ ले, तो क्या मैं बोल नहीं सकती कि नहीं 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 मैंने, मेरे पास तो ये किसी ने बेवकूफी बना के धोखे से डाला। बेटा ऐसे तो हर चोर बोलेगा मैंने चोरी नहीं की। ये एनडीपीएस एक्ट बहुत खतरनाक कानून है, सेक्शन 35 दिख रहा है आपको, इस सेक्शन 35 को देखो आप ध्यान से। इट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय पर्सन अलेजिंग दैट इट इज नॉट ए कॉन्शियस पोजीशन। अगर बच्चे आप बोलते हो रिया चक्रवर्ती बन गए और आप बोलते हो आर्यन खान बन के या फरदीन खान बन के कि नहीं 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 मैंने तो डाला ही नहीं था, पॉकेट में पता नहीं किसने डाला, तो आप प्रूव करोगे किसने डाला? मुश्किल लग रहा है ना, यही तो कानून है, बहुत सख्त कानून है। और ये किसने बोला? वो सरकारी वकील जो नेशनल कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जज साहब के आगे सरकार का पक्ष ले रहा था। और आप देख सकते हो भाई, नॉर्मल बेल तो मिलता है 437 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लेकिन कोई भी नशे का जो है ना, यार मेरा जाने कौन सा नशा करता है, ये जो नशे की आ रही ना, उड़ता पंजाब फिरता हिमाचल, तो याद रखना वहां बेल अलग से कानून में एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 37 में साफ लिखा हुआ है। तीन बिगड़े हुए बच्चे यानी 19, 24, 27A, अमर अकबर एंथनी सबसे बिगड़े हुए बच्चे हैं, कभी और बताऊंगा, मगर इसके साथ लिखा है कमर्शियल क्वांटिटी, यानी कि अगर वो 100 ग्राम से नीचे का नहीं है चरस, ज्यादा है तो फिर बेल ही नहीं मिलता। बहुत मुश्किल है इसमें बेल, इस तरह सोच लो कि ना के बराबर है, 99% चांस है कि बेल ही नहीं मिलता। लेकिन यहां पर तो वकील साहब ने क्या बोला, सतीश मानसिंडे ने, जिनको शाहरुख खान ने अपने बेटे के लिए किया है, कि सर छोटे छोटे मामलों में फंसा है, 13 ग्राम है ना, या कुछ इस तरह आपने देखा था 21, 22, 5, अभी देखते हैं आगे। पर फिलहाल आपने नेक्स्ट वीडियो तक हमारा इंतजार करना है, जब हम आपको ये बताएंगे कि इसको बेल क्यों मिला, ठीक है, और बेल किस प्रावधान में मिला। तो उम्मीद करता हूँ आप दोनों फिर मेरे पास आओगे। यस सर, थैंक यू सर, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, बाय बाय बाय।